देखो जरा देखो इन्हें क्या हुआ है, देखो जरा देखो इन्हें क्या हुआ है, कैसी ये बीमारी है ये कैसी सजा है, कैसी ये बीमारी है ये कैसी सजा है। बीपी शुगर टेंशन की वजह है, बीपी शुगर टेंशन की वजह। मेरे पिताजी को ब्रेन हैमरेज हो गया था और उन्हें लेकर हमें अस्पताल जाना पड़ा। अरे ऐसा कैसे हो गया, वो तो बीमार भी नहीं थे और उन्हें कभी बुखार तक नहीं हुआ था। उन्हें बहुत समय से बीपी था और उन्हें इस बात का पता नहीं चला। हमें भी इस बात का पता नहीं चला। अरे भाई, मेरा बड़ा भाई अस्पताल में है। क्यों, क्या हुआ था उसे? वह कल ऑफिस में काम करते करते बेहोश हो गया। अरे वह तो केवल अभी 22 साल का है, क्या हुआ था उसे? डॉक्टर ने बताया उसका शुगर लेवल हाई हो गया है। अरे इतनी छोटी उम्र में शुगर, पहले तो कभी नहीं सुना। पहले तो कभी नहीं सुना। अरे बहन, मेरे तो 6 साल के बेटे को शुगर हो गया है। तुम्हें कैसे मालूम कि उसे शुगर हो गया है? उसे बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है और हर घंटे टॉयलेट जाना पड़ता है। बहुत समस्या होती है स्कूल में। जब डॉक्टर से चेकअप करवाया तो ब्लड चेकअप के बाद पता चला कि उसे शुगर है। सोच रहा हूँ शुगर में स्पेशलाइजेशन कर लूं और अपनी क्लिनिक के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगाऊंगा, शुगर डायबिटीज स्पेशलिस्ट, और फिर कमाई ही कमाई। बिल्कुल ठीक डॉक्टर चौधरी, कमाल का आइडिया है। इंडिया डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है। हमारे देश में 10 करोड़ लोग डायबिटीज के पेशेंट है। हमारे देश में 10 करोड़ लोग डायबिटीज के पेशेंट है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, अभी तो इनका 210-110 बीपी आ रहा है। अब तो इनकी हालत बहुत खराब है, अब इन्हें दवाओं से ज्यादा दुआ की जरूरत है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं भाई को बचा लो। राम नाम और मेरा काम इंसान के शरीर को बर्बाद करना। काश मुझे मेरे इस काम में सहयोग करने के लिए कोई साथी मिल जाए तो फिर मैं सारे मानव जाति का विनाश कर दूंगा। डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मेरे पैर में बहुत दर्द है डॉक्टर साहब। अब तो इसका पैर काटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप लोग पहले क्यों नहीं आते, चेकअप क्यों नहीं कराते? बीपी धीरे धीरे पूरे शरीर को खोखला कर देती है, हमारे शरीर के अंदर घाव बनने की क्षमता को ही खत्म कर देती है। समय रहते इसका इलाज हो सकता है, अब ये घाव कभी ठीक नहीं हो सकता। पहले डॉक्टर साहब मुझे बचा दो, मैं अपने पैर नहीं कटाना चाहता। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे बचा दो, प्लीज डॉक्टर साहब। कुछ नहीं है बात, जब रोगी लग जाता। मैं हूँ हाइपरटेंशन, मुझसे बच के तो दिखा।
दिखाओ। मैं हूँ हाइपरटेंशन, गुस्से बच के तो दिखाओ। जाओ 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 किसी वैद्य को 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 दिखाओ। मैं हूँ डायबिटीज, मुझसे बच के तो दिखाओ। मैं हूँ डायबिटीज, मुझसे बच के तो दिखाओ। और तो और मुझे इंसानों का पाइस करने में बड़ा आनंद आता है।
इस मरीज की चाल देखो, आंखों का ये हाल देखो, खून में उबाल देखो, रोज जगे बाल देखो, चाल देखो बाल देखो, खून में उबाल देखो, बीपी शुगर 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 बीपी शुगर। आप जानते हैं हमारे देश में 25 साल से अधिक आयु के 8 करोड़ लोग शुगर यानी डायबिटीज से पीड़ित हैं और 30 करोड़ लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं, जो कि विश्व में सबसे अधिक है। हमारे देश की लगभग 1/3 आबादी इनके कब्जे में आ चुकी है। अरे भाई, इसके बारे में पता कैसे चलेगा, क्योंकि इन दोनों बीमारियों के लक्षण तो दिखाई ही नहीं पड़ते। इसका बहुत ही सरल उपाय है, रेगुलर चेकअप, बीपी और डायबिटीज से नियमित रूप से। लेकिन जो इन दोनों रोगों से पीड़ित है वो अपना इलाज कैसे कराएंगे? इसका भी बड़ा सरल उपाय है, नियम से दवाई खाए, प्रसाद की तरह नहीं, वरना बीमारी और घातक हो जाएगी। रेगुलर चेकअप, नमक कम, चीनी कम, जंक फूड यानी मैगी, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं, सेवन बिल्कुल नहीं, ना सिगरेट ना शराब, फिट रहना यानी अपने मोटापे को कम करना, एक्सरसाइज योगा यानी तनाव को कम करना। अरे भैया, तो खाएंगे क्या, कहीं खाए बिना ही मर गए तो? अरे बहुत कुछ है खाने को, खाने में गेहूँ, मक्का, बाजरा, दलिया, सरसों और फाइबर वाला आटा खाए, फल और हर प्रकार के सलाद का सेवन करे, दूध, छाछ, लस्सी, पनीर इनका भरपूर सेवन करे। तो बताओ क्या समझे, इन बीमारियों से मुक्ति पाना है कि नहीं? हाँ। योग करने से क्रोध और टेंशन पर काबू पा सकते हैं। योग में प्राणायाम, प्राणमरी, वक्रासन, शवासन और सूर्य नमस्कार करने से दोनों बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बताओ क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है? नियमित योग और एक्सरसाइज, नियमित योग और एक्सरसाइज, अपने वजन को काबू में रखना और उसे बढ़ने ना देना, अपने वजन को काबू में रखना उसे बढ़ने ना देना, संतुलित भोजन, सिगरेट शराब बिल्कुल नहीं, नमक और चीनी का सेवन कम, टेंशन यानी तनाव से बचना, और बीपी शुगर का रेगुलर चेकअप। गलत कदम मत उठाओ, सोच कर चलो।